नमस्कार, आप देख रहे हैं डोंट बी ब्लाइंड इंडिया। दोस्तों आपको बता दें कि आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टेस्ट मैच का तीसरा दिन था। ऐसे में तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और हम आपके लिए पूरी मैच की हाईलाइट लेकर के आए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरे टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 197 रनों की लीड हासिल कर ली है। दिन का खेल खत्म होने तक स्टीव स्मिथ 29 रन और मानस लबुसेन 47 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले भारत की पहली पारी 244 रनों पर सिमट गई है। पहली पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 94 रनों की लीड हासिल की थी। भारत की ओर से सबसे ज्यादा शुभम गिल और चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतकीय पारी खेली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए हैं। आपको बता दें कि लगातार टीम इंडिया की परेशानी बढ़ती जा रही है और जहां ऑस्ट्रेलिया ने 197 रनों की बढ़त हासिल कर ली है, तो इससे आने वाले दिनों में टीम इंडिया के लिए ये मैच काफी ज्यादा बुरा होता जाएगा, क्योंकि अगर अब टीम इंडिया के गेंदबाज अपना कारनामा करके नहीं दिखाएंगे तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगातार इस मैच में आगे बढ़ते जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है अभी स्टीव स्मिथ, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है। पिछली पारी में ही उन्होंने 131 रनों की एक दमदार पारी खेली, जिससे पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया पर बढ़त हासिल कर सकती है। इस वजह से टीम इंडिया के गेंदबाज को अब या तो चमत्कार करके दिखाना होगा, या फिर टीम इंडिया इस मैच में बहुत ही आसानी से हार सकती है, या एक ऑप्शन यह है टीम इंडिया के पास कि वो इस मैच को ड्रॉ करा सकती है। इसके अलावा टीम इंडिया के पास और कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी टीम इंडिया से काफी आगे जा चुकी है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।